क्लास हमारी जो है ये यूजीसी नेट के आधार पे है। आप सभी का परीक्षा जो है कल नहीं परसों पेपर है, यानी 13 तारीख को। आज 11 दिसंबर है, कल 12, परसों 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में सोशल वर्क का पेपर है और आप सभी लोग आज और कल में अपना एडमिट कार्ड या जो भी उसका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है एडमिट कार्ड पे, उनको आप लोग फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करेंगे आज का जो टॉपिक होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है, कम से कम 3-4 प्रश्न मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यह है आप सभी के सामने कि सामुदायिक, एक बार म्यूट हो जाइएगा प्लीज, सामुदायिक नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? नहीं नहीं, सामुदायिक नहीं सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज, बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी के यहां से। सामुदायिक संगठन के जो है सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला तो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। एक तो आपको मिलेगा स्वीकृति का सिद्धांत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आएगा कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका यहां पे आता है मूलभूत, मूलभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत है, आवश्यकताओं का सिद्धांत ये होगा। तीसरा आपका संसाधनों, संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत, ठीक है। और नंबर 4 पे होगा व्यक्तिकरण का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आत्म संकल्प का सिद्धांत, आत्म संकल्प का सिद्धांत, उसके बाद जन सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता ऑप्शन में आएगा जरूर 110%, सहभागिता का सिद्धांत, ठीक है। और संचार का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, ठीक है। और व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार प्रकटन का सिद्धांत, ये इतने सिद्धांत जो हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो यहां पर अभी आप लोगों से बात किया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या आप यहां पे कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये प्रक्रिया बेसिकली प्रिंसिपल्स से रिलेट की गई है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं इसी सिद्धांत को अगर हम बात करें तो हम लोग लोकतांत्रिक सिद्धांत के नाम पे भी एक सिद्धांत आता है, लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली का सिद्धांत। और एक आता है लचीले संगठन का सिद्धांत आता है, एक लचीले संगठन का सिद्धांत होता है, एक होता है योजना का सिद्धांत होता है, योजना का सिद्धांत होता है, और एक होता है विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होता है। 12वां एक होता है विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होता है, ठीक है। ये सिद्धांत आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे जरूर सवाल 1 आएगा, 2 नंबर का है ये, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग, 2 नंबर का सवाल है ये, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में उसके चरण को लेकर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के यानी सामुदायिक संगठन के चरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोपान। यहां से भी हमारे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के 28 सिद्धांत देने वाला अगर कोई विद्वान है तो उसका नाम है डनहम। 28 सिद्धांत को देने वाला अगर कोई विद्वान है तो उसका नाम है डनहम, और ये भी
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, आप सबको पता होगा इनके बारे में। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुछ स्टेप को लेकर, और इस स्टेप में बात करूंगा तो एक विद्वान का नाम, जिसका नाम है लिंडे मैन, लिंडे लिड मैन कर लीजिए या लिंडे मैन कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। इनके द्वारा बेसिकली कम्युनिटी प्रोजेक्ट को लगभग अध्ययन किया था, कितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट को, 700 के, 700 जो थे कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर इन्होंने अध्ययन किया, और तब जाके इन्होंने 10 स्टेप बताए थे। और वो कौन कौन से स्टेप हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला है आवश्यकता की चेतना को जागृत करना, यानी चेतना जागृत करना। दूसरा है आवश्यकता की जो चेतना है उसका प्रसार करना, और तीसरा जो है चेतना का प्रक्षेपण करना, आवश्यकता का चेतना का प्रक्षेपण करना, ठीक है। चौथा है आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने के भावनात्मक आवेग की बात करते हैं, तो यहाँ जो भावनात्मक आवेग है उसका उत्पन्न बेसिकली आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने के लिए कुछ प्रभावशाली सहायता जो जुटाई जाती है वो बेसिकली भावनात्मक आवेग होता है, ठीक है। नंबर 5 पे अगर आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाधानों में संघर्ष, और एक होता है जांच पड़ताल, जिसको आप बोलते हैं टेस्ट वगैरह, परीक्षण वगैरह भी आप कह सकते हैं, और एक होता है समस्या के विषय में वाद विवाद, और एक होता है संसाधनों का एकीकरण। और 9वें पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अस्थाई प्रगति के आधार पर समझौता, ठीक है, क्या होगा ये समझौता होगा, ठीक है, समझौता, ठीक है, ये 9वां हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, एक आपका हो गया चेतना का जागृत करना, चेतना का प्रसार, चेतना प्रक्षेपण, और फिर उसके बाद आपका भावनात्मक आवेग, फिर उसके बाद एक हो जाएगा समाधानों का प्रस्तुतीकरण, जहां संघर्ष है, जैसे ये समाधानों में संघर्ष है ना, तो इससे पहले पॉइंट और आएगा, उसका क्या नाम होगा, समाधानों का प्रस्तुतीकरण। तो यहां आप प्रस्तुतीकरण करिएगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कर दीजिएगा समाधान, संघर्ष, फिर जांच पड़ताल, फिर वाद विवाद जो है, समाधानों के एकीकरण, फिर समझौता, कुल टोटल 10 हो गए, ठीक है। तो ये इन्होंने 10 जो है स्टेप दिए हैं, इन स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो 19वीं सदी में आया था, कब आया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ 19वीं सदी में आया था। हालांकि 19वीं सदी वाली जो प्रक्रिया है वो दान संगठन समिति है, क्या है, दान संगठन समिति है। दान संगठन समिति कब आई थी, दान संगठन समिति 1889 में आया था यूके में, कहां 1889 में यूके में नींव रखी गई थी, ठीक है, ताकि गरीब लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के संबंध में था। बाद में अगर हम बात करें तो अमेरिका में बफेलो शहर में पहली बार दान संगठन समिति जो है स्थापित हुई, तो जो यूएसए में जो स्थापित हुआ वो जाना गया 1877 में जाना गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दान संगठन समिति की आधारशिला जो रखी गई वो 1889 में रखी गई थी। एक आता है व्यवस्थापन गृह, क्या आता है, व्यवस्थापन गृह, इसकी स्थापना हुई यूके में सन 1880 में, ठीक है, याद रखिएगा। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा का ये दूसरा कदम था, ठीक है, पहला कदम तो दान संगठन समिति था,
ये माना जाता है। फिर दूसरा माना, हालांकि देखिए ये आप लग रहा है कि आपको ये पहले आया है, बट दान संगठन समिति इससे भी पहले आई है, ठीक है, इससे भी पहले लेके आया गया है, बाद की प्रक्रियाएं हैं, फिर ये दान संगठन समिति बना 1889 में, है ना, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो उसके बाद की जो प्रक्रिया बनेगी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चरण के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, कुछ इसकी विधियां हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंस मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। विधियां में जैसे मैंने कहा कि लोगों को परिवर्तन की जरूरत है, तो परिवर्तन के लिए आप पैरवी, आश्वासन, ठीक है, लगा सकते हैं, भागीदारी आप कर सकते हैं, ठीक है, अवलोकन की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, समस्याओं के निपटने के लिए जो आपने टेक्निक, जो प्रिंसिपल्स लगाए हैं उसका आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो बेसिकली एक टेक्निक या एक विधि के रूप में जानी जा सकती है, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, बता दीजिए एक बार, स्पष्ट करिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। जी सर। ये चीज आपको याद रखना है, इसमें भूलना नहीं है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, ठीक है। रेड क्रॉस सेवा कार्यक्रम कब आया था? रेड क्रॉस सेवा एक कार्यक्रम है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ही है। ये कब आया था तो इसे आप लोग कब बताएंगे? प्रथम विश्व युद्ध ये कार्यक्रम जो चलाया गया था ये कब चलाया गया था? ओके, और भी कोई लोग बताइए जरा। रेड क्रॉस सर्विस, या आप कह सकते हो रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ष, सॉरी फिर से बताइएगा, 1859 में, मैम 1859 में ये जो है आया था, 1859 में, ठीक है, रेड क्रॉस अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से सोसाइटी के रूप में उभर के सामने आया था। बाद में ये एक द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आया, नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और वह जब दिल्ली, भारत की बात करते हैं तो भारत में रेड क्रॉस की बात अगर पूछेगा पेपर में तो आप 1920 लगाकर चले आइएगा, ठीक है। हैमिल्टन हिल के द्वारा यह स्थापित किया गया 1920 वाली प्रतिक्रिया में, और जॉन हेनरी के द्वारा अगर बात किया जाएगा तो 1859 वाला, हेनरी की भूमिका यहां पे, और 1920 वाली प्रक्रिया में आएगा वो हैमिल्टन हिल का नाम आएगा, ठीक है, हैमिल्टन हिल का नाम आएगा, ठीक है, भारत वाले में। क्लियर है ये चीजें? एक बार स्पष्ट करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के हमने अभी यहाँ पे सिद्धांत पढ़ लिए, उसके बाद हम लोगों ने इसके स्टेप को देख लिए, दो चार इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, हमने उन पॉइंट्स को भी देख लिया, ठीक है, और ये परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाते हैं पॉइंट्स वगैरह, है ना। अब बात करेंगे हम लोग प्रारूप के बारे में, उम्मीद है कि आप लोग जानते भी हैं प्रारूप को लेकर, अगर मैं प्रारूप की बात कर रहा हूं तो बता सकते हैं कि कौन कौन से विद्वान के नाम आते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप में, प्लीज अगर पता है तो एक बार बताने का प्रयास करें। मुर्रेजी रॉस और सिद्दीकी, और कोई विद्वान नहीं है उसमें, है रोथमैन, हाँ हाँ, विद्वान तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने इस प्रारूप की बात किया है, तो प्रारूप में मैं आपको नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये भी पेपर में आएगा, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप। सबसे पहले मैं मुर्रेजी रॉस की बात करूंगा, ठीक है, मुर्रेजी रॉस की, इन्होंने आपको अगर हम बात करें मुर्रेजी रॉस महोदय के बारे में, तो इनकी प्रक्रियाएं जो हैं वो हैं विशिष्ट अंतर वस्तु उपागम, उपागम पहला, दूसरा है सामान्य अंतर्वस्तु उपागम, तीसरा है प्रक्रिया अंतर्वस्तु उपागम, ये तीन इनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और विद्वान का नाम आता है जैक रोथमैन, रोथमैन, तीसरा क्या बताया, प्रक्रिया,
तीसरा प्रक्रिया है। जैक रोथमैन ने पहले तो देखो ये इन्होंने जो दिया था अवयी स्थिति दिया था ये 1968 में, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल दिया भाई, इसने कर दिया अस्थानीय। ठीक है, दूसरे पे अगर हम बात करते हैं तो ये सामुदायिक नियोजन दिया उन्होंने दूसरा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही चीज़ें थी सामुदायिक, ठीक है, नियोजन या नीति आप कह लीजिए, बात दोनों एक ही थी। तीसरा जो था वो था सामुदायिक, सामुदायिक क्रिया आप कह लीजिए या कार्यवाही कह लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं थे, ठीक है, क्रिया वगैरह में और नियोजन, ठीक है, इसी को या तो नीति भी बोलते हैं ऊपर वाले को, याद रखिएगा, नियोजन को नीति भी कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन जो हैं इनके याद आपको रखने हैं, आईएमपी है ये इधर भी, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है सिद्दकी, विद्वान के नाम अगर हम बात करें तो सिद्दकी नाम है इनका, सिद्दकी। इन्होंने एक दिया था प्रतिवेश, ठीक है, विकास का मॉडल, और दूसरा इन्होंने दिया था व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल, तीसरा इन्होंने दिया है संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल। ठीक है, तो ये सिद्दकी जी का नाम जो है हमें पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि सिद्दकी जी का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एच वाई सिद्दकी बड़े ही फेमस पर्सन है, परीक्षाओं में ये कई बार सवाल लेकर आते रहते हैं, एच वाई सिद्दकी महोदय, मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके बारे में अवश्य ध्यान रखें, ध्यान में रखें, हैं सिद्दकी जी के बारे में। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करिएगा, फिर और भी इनसे संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर मैं बातचीत करूंगा आपसे। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं एच वाई सिद्दकी के बारे में, तो एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो इनसे संबंध में सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। एक इनकी इम्पॉर्टेंट किताब थी, वो किताब का नाम था ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क था थ्योरी एंड, के बात इनकी ग्रुप वर्क की हो रही है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके इन्होंने किताब लिखा, और ये किताब लिखा सन 2008 में। कब लिखा था इन्होंने? सन 2008 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप की बात इन्होंने किया। तो इसमें कुछ कंट्रीज के नाम आए, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से तो एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, ये तीन कंट्रीज के नाम भी शामिल किए गए। और ये किताब जो आई, ये किताब आई 2004 में। कब आई थी? 2004 में आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एच वाई सिद्दीकी का एक मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। तीसरी एक किताब थी सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन एच वाई सिद्दीकी की बड़ी ही फेमस पुस्तक रही है, जो 2015 की रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट तथ्य रहा, ये आपको ध्यान रखना है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये चीजें हम लोगों से पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे। आपका यहाँ पे प्रारूप भी हो गया, ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से सिद्धांत भी हो गए आपके, है ना, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है समुदाय में, ये बात आपको पता होगी। हम की भावना में किस विद्वान का नाम आता है? हाँ, हम की भावना में अगर हम बात करते हैं तो बोगार्ड्स का नाम आता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं रॉस के बारे में, रॉस के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कहा था
कि थ्योरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सन 1955 में था, और इन्होंने हेरिटेज के बारे में बात किया था, और हेरिटेज के बारे में बात किया था 1961 में। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है एम जे रॉश का नाम हमें देखने को मिल जाता है। इसी में एक नाम और आता है, सोल एलेंसकी का नाम। आपने सोल एलेंसकी का भी नाम, एलेंसकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, रूल फॉर रेडिकल के बारे में, 1971 में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जो है रियलिस्टिक रेडिकल, है ना, रियलिस्टिक रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट में। तो इस दो परिपेक्ष में सोल एलेंसकी का भी नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। सामाजिक क्रिया के शब्दों में भी सोल एलेंसकी महोदय का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, इनका कोई एग्जैक्ट वर्स नहीं है सोल एलेंसकी, ये एक अवधारणा थी, है ना, जब रूल ऑफ रेडिकल्स बता रहे थे तो उसी समय इन्होंने इस रूल्स को भी दिया था। ठीक है, सोल एलेंसकी ने, इनका एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो शब्द है, इन्होंने क्रम में दर्शाया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, और कहा था एक क्रमवाद, एक शब्द इन्होंने दिया था निष्यंदन, और एक शब्द दिया था द्वंद्वात्मक, और एक प्रक्रिया की अवधारणा। ये क्रम जो है इसी किताब में हमें देखने को मिलता है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा, बता दीजिएगा एक बार प्लीज। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं औपचारिक है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर, सवाल ये भी हम लोगों से पूछा जाता है अंतर को लेकर, कभी कभी पूछता है उसकी विशेषता बताइए आप, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं नहीं हैं, तो इनसे सवाल परीक्षा में बन जाता है। तो मैं एक बार आप लोगों को इसे नोट करवाना चाहूँगा, और आप लोग भी इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इसके अंतर को लेकर पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो एक तरफ आप चाहो तो नोट कर सकते हो औपचारिक को लेकर, और दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन को। एक तरफ औपचारिक और दूसरी तरफ अनौपचारिक, ये विशेषता है जो मैं आपसे जिक्र करने चल रहा हूं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है ना, प्रबंधन द्वारा बनाई गई नौकरियों और पदों की संरचना को औपचारिक संगठन के रूप में जाना जाएगा। जब प्रबंधन द्वारा ये चीजें होंगी, प्रबंधन द्वारा, अच्छा क्या क्या, नौकरी और पद की संरचना, है ना, नौकरी व पदों की संरचना, तब आप नाम दीजिएगा, स्ट्रक्चर बन रहा है तो औपचारिकता को। जब बात करेंगे अनौपचारिकता में, तो यहां कर्मचारियों के बीच होगा, किसके बीच होगा, कर्मचारियों के बीच परस्पर या रेसिप्रोकल आप कह सकते हो, परस्पर क्रिया से उत्पन्न जो सामाजिक संबंध होते हैं, परस्पर क्रिया से उत्पन्न सामाजिक संबंध है, ठीक है, या सामाजिक संबंधों के नेटवर्क को हम सामाजिक संबंध के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक
संगठन कहते हैं, ये पहले स्टेटमेंट रहेगा। वहीं दूसरी बात हम करते हैं तो औपचारिक संगठन में नियम और नीति बनी होती है, नियम व नीति होती है, लेकिन अनौपचारिक संगठन की जब हम बात करते हैं तो यहां सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है, सामाजिक संपर्क के परिणाम होते हैं, ठीक है। यहां कोई नियम और नीति वगैरह नहीं बनाई जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, तो प्रबंधन में पद के आधार पर अथॉरिटी उत्पन्न होती है। पद के आधार पर क्या बनेगा? प्राधिकरण। पद के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? प्राधिकार कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न के आधार या व्यक्तिगत गुणों के आधार पर उत्पन्न की क्रिया को बताऊं, तो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर तो वो आपका बन जाएगा अनौपचारिकता। वो क्या बन जाएगा? अनौपचारिकता। पॉइंट नंबर फोर, ध्यान रखिएगा कि व्यवहार प्रबंधकों द्वारा निर्धारित होते हैं। व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रबंधक द्वारा, ठीक है। व्यवहार प्रबंधक द्वारा निर्धारित होंगे, ठीक है। लेकिन अनौपचारिकता में अगर मैं आपसे बात करूं तो व्यवहार का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, व्यवहार का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह संचार केवल औपचारिक माध्यम से होता है। अगर हम बात करें संचार केवल औपचारिक माध्यम से होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनौपचारिकता में, तो यहां जो संचार होगा वो अनौपचारिक माध्यम से होता है जिसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। होगा अनौपचारिक तरीके से, लेकिन निश्चित मार्ग नहीं होगा, निश्चित मार्ग नहीं होगा, इसलिए आप यहां कह सकते हो कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं औपचारिकता में, तो औपचारिकता वह स्वभाव से बड़ा कठोर होता है, स्वभाव से कठोर होता है, लेकिन अनौपचारिकता जो होता है स्वभाव से बहुत लचीला होता है, बहुत लचीला होता है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर चलती है। यहां अगर हम बात करें औपचारिकता जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, लेकिन अनौपचारिकता में अगर हम बात करते हैं तो सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है, ये सभी दिशा में चलाया जा सकता है अनौपचारिकता, ठीक है। काम करने के लिए संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, कार्य करने के लिए बनाया जाता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औपचारिकता संगठन बनाई जाती है। लेकिन कर्मचारियों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए, यहां पे कर्मचारियों को सामाजिक संतुष्टि की बात कर रहा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बस ये भी आपका क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। अनौपचारिकता की अगर हम बात करें, व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जाती है कि नहीं? व्यक्तिगत, यहां पे मैंने लिखा है ना, जैसे देखिए व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है ना। असंचरित संबंध बनते हैं इसमें, व्यवहार का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता तो असंचरित संबंध बनते हैं। इसमें स्वैच्छिक अंतःक्रिया होती है ना, याद रखिएगा। इसके कार्यालय माप मानक की बात करते हैं तो वो औपचारिक होता है, कार्यालय मानक क्या होता है? औपचारिक होता है, ठीक है। स्पष्ट है इतनी बातें तो बताइए। जी सर। यहां अब आपका
ये सामाजिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी फिनिश हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सोशल एक्शन के बारे में, है ना। सोशल एक्शन आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक क्रिया के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक केनेथ विलियम प्रे थे जिन्होंने 1945 में एक किताब लिखा था, बुक लिखा था, केनेथ विलियम प्रे ने, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन। ये किताब आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगी, आप लोग जानते भी हैं, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन केनेथ विलियम प्रे के द्वारा लिखी गई। यही किताब की अगर हम जिक्र करें तो महात्मा गांधी जी द्वारा भी सोशल एक्शन में दिया गया है, ठीक है, सोशल एक्शन में दिया गया है। सोशल एक्शन में अगर इसके कोई जनक हैं तो उनका नाम है, सामाजिक क्रिया में अगर हम बात करते हैं जनक को लेकर, तो याद रखिएगा मैरी रिचमंड का नाम, मैरी रिचमंड का नाम। मैरी रिचमंड बेसिकली एक परिभाषा के साथ आते हैं, वह परिभाषा बड़ी फेमस रही है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रचार एवं सामाजिक विधान, सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण करना, कल्याण करना, ये सामाजिक क्रिया की परिभाषा बनती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। बिटमर का नाम आता है, एलिजाबेथन का नाम आता है, और सलेंडर एम का नाम आता है, केनेथ विलियम प्रे का नाम आता है, ग्रेस कोयली भी एक विद्वान है, इनका भी नाम हमें देखने को मिलता है, ये सोशल एक्शन में, ठीक है, सोशल एक्शन में। सोशल एक्शन के दौरान अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें किसानों द्वारा बहिष्कार एक सामाजिक क्रिया किया गया था, किसानों द्वारा, है ना, किसानों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा बहिष्कार, बहिष्कार सामाजिक क्रिया थी। सन 1880 में ठीक है हेनरी आंदोलन था, एक एफ्रो अमेरिकन द्वारा बस बहिष्कार की बात की गई थी। तो दो चीजें आएंगी, एक एफ्रो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन प्लस में एक हंगरी अमेरिकन, हंगरी आंदोलन, ठीक है, 1956 में माना जाता है, ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए हुआ आंदोलन सामाजिक क्रिया का ही सफल उदाहरण माना जाता है। अमेरिका में क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और यहां जो आंदोलन हुआ था वो नागरिक अधिकारों के लिए हुआ था, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अमेरिका में क्लियर है, एक बार बताइएगा। जी सर। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत कुछ सिद्धांत होते हैं, जानते हैं आप लोग, बताइए सामाजिक क्रिया के सिद्धांत। पेपर में कई बार आ चुका है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, प्लीज। सामाजिक
स्वीकृति का सिद्धांत, नोट कर दो ना, सोशल एक्शन के सिद्धांत। इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्वीकृति का सिद्धांत था, दूसरा वैधता का सिद्धांत था, तीसरा नाटकीकरण का सिद्धांत था, चौथा बहुरणनीति का सिद्धांत था, बहुआयामी करिए बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत था, और बहुआयामी रणनीति के सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो इसमें चार पॉइंट्स आते हैं। एक, शिक्षा संबंधी रणनीति, दूसरा समझाने की रणनीति, सुगमता की रणनीति, और चौथा शक्ति। ठीक है, ये आपका बहुआयामी में आ जाएगा। और एक है आपका बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत, बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत, सामाजिक कार्यक्रम। आर्थिक, राजनीतिक, ये तीन आता है। ठीक है, क्लियर है। सामाजिक क्रिया में बताइए, बोलते रहिए। सामाजिक क्रिया के प्रारूप पर फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। इतनी बात क्लियर तो करिए पहले, अस्पष्ट है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? लोगों से बातचीत करने वाला हूं सामाजिक क्रिया के प्रारूप पर या इसके मॉडल पर, है ना। तो सामाजिक क्रिया के प्रारूप जो हैं आप सब जानते हैं, और पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है। सामाजिक क्रिया के तो विभिन्न मॉडल हैं, है ना, विभिन्न मॉडल हैं, जिनमें से बहुत फेमस रहा है श्री विट्रो का नाम, आपने सुना है और आप जानते भी हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से। सन 1984 में इन्होंने सिद्धांत दिए थे या प्रारूप दिए थे। तो दो ही सिद्धांत दिए, है ना। दो सिद्धांत कौन कौन से थे इनके? एक सिद्धांत का जो नाम था वो था विशिष्ट था। उस सिद्धांत का क्या नाम था? विशिष्ट सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मॉडल कह सकते हैं, सिद्धांत। अब इसी को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, ठीक है, विशिष्ट को ही। तो उसमें तीन जो है इसके उप मॉडल के रूप में ये जाना गया था। अब तीन उप मॉडल कौन कौन से थे? एक था विधायी, ठीक है, विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल। दूसरा था आर्थिक घेराबंदी का मॉडल, आर्थिक घेराबंदी का मॉडल। और जो तीसरा था वो प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल था, वो प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल था। विधायी के अंतर्गत बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे सामाजिक विधान, जैसे बाल श्रम रोकथाम कानून एक आया 1986 का, दहेज निषेध एक कानून आया 1961 में, सती निवारण एक कानून आया था संशोधन वाला 1987 में, अनैतिक व्यापार निवारण कानून आया 1956 में, है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम आया 1961 में, इसी तरीके से कई एक्ट आए जो विधायी के अंतर्गत रखे गए थे। ठीक है, आर्थिक घेराबंदी के अंतर्गत हम बात करें तो श्रम अधिकारी द्वारा संदर्भ में ये बातें कही गई थी।
प्रत्यक्ष भौतिक की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें समूहों के द्वारा चलाया जा रहा था, एक स्वाधीनता संग्राम में जो संघर्ष की प्रक्रिया थी वो बेसिकली प्रत्यक्ष भौतिक में डाली गई थी। दूसरा, इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, उसका नाम था लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल। क्या नाम था उसका? लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल, है ना। अब इस मॉडल में इन्होंने बेसिकली तीन चीजें भी शामिल किया, इसके उप मॉडल्स के नाम से इसको जाना गया। पहले को जो इसके अंतर्गत कहा गया वो इन्होंने दर्शाया था पहले पॉइंट को आत्म चेतना के नाम से, आत्म चेतना के नाम से इनको दर्शाया, आत्म चेतना जागृत का मॉडल इसको कहा जाएगा, इस तरीके से इन्होंने जिक्र किया था इसमें। दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने संवाद या तर्क वितर्क का नाम दिया था, संवाद या आप कह लीजिए तर्क वितर्क का मॉडल जो है प्रस्तुत किया था, चलित मॉडल के नाम से ये जाना गया था, ठीक है। उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तीसरे को जो दिया उसका नाम था लाम बंदी। क्या नाम था उसका? लाम बंदी मॉडल था, ठीक है। इस तरीके से विट्रो ने कुल 1984 में दो टाइप के मॉडल्स दिए और उसके ये जो थे पार्ट थे, ठीक है, ये पार्ट दर्शाए गए थे लोकप्रिय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हालांकि संस्थागत प्रारूप है, संस्थागत सामाजिक प्रारूप है, सर्वमान्य प्रारूप है, आंदोलनात्मक प्रारूप है, इस तरीके से और भी गांधी जी का भी नाम हमें देखने को मिलता है सामाजिक क्रिया के प्रारूप में, है ना, कई ऐसे जो है मॉडल्स वगैरह के रूप में उभर के हमारे सामने आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, सिद्दीकी की भी बात, जैसे आपने को बता दूँ सन 1984 में इसी समय सिद्दीकी की जो आप एच वाई सिद्दीकी का नाम आप पढ़ रहे थे मैंने ऊपर बताया था, तो इन्होंने एक किताब लिखा था, वही किताब थी जो सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन था, इनका 1984 में जिक्र किताब पे नाम में आता है, एच वाई सिद्दीकी, ठीक है, एच वाई सिद्दीकी, ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा 1984 में, ठीक है। समाज कार्य का परिचय चौधरी डीपॉल ने सन 1992 में लिखा था, 1992 में, ठीक है, परंतु इम्पोर्टेंट है ये आपका 1984 वाला। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, एक विद्वान का नाम आता है लीस, लीस सामाजिक क्रिया में, लीस एक विद्वान का नाम है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की रणनीति बताई थी। इन्होंने क्या बताया था? सामाजिक क्रिया में ही सामाजिक परिवर्तन की रणनीति बताई थी, परिवर्तन की रणनीति बताई थी। कुल कितनी रणनीति इन्होंने बताया था? तो तीन प्रकार की इनकी जो है रणनीति थी। नंबर एक पर अगर मैं बात करता हूँ तो वो सहभागिता की रणनीति थी इनकी, सहभागिता की रणनीति थी। नंबर दो पे अगर हम बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा की रणनीति थी, प्रतिस्पर्धा की जो है स्पर्धा की रणनीति मानी जाती है, ठीक है, और रणनीति। और जो तीसरा था वो था व्यवधानात्मक रणनीति थी। क्या थी? व्यवधानात्मक रणनीति थी। ये तीन टाइप की रणनीति जो थी वो लीस एक विद्वान है जिन्होंने सामाजिक क्रिया में प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके बाद सामाजिक क्रिया में विधियां आई, सामाजिक कार्य की विधियां में जो विद्वान का नाम आया वो हेलन क्लार्क का नाम था। क्या नाम था? हेलन क्लार्क महोदय ने क्या किया? सामाजिक यानी सोशल एक्शन के जो है विधियां दिया था। कुल कितनी विधियों पर बात किया था क्लार्क ने? तो चार प्रकार की विधियों पर बात किया था। चार प्रकार की कौन कौन सी विधियां थी? नंबर एक जो आता है इनका, अनुसंधान सहित तथ्यों को प्राप्त करना, यानी तथ्यों को प्राप्त करना है बट किससे? तथ्यों को प्राप्त करना है बट कैसे? खोज के माध्यम से। किसके माध्यम से? खोज के माध्यम से। दूसरा जो था इन्होंने शिक्षा अर्थ निरूपण और जनसंपर्क बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा वो जनसंपर्क रहा है, जनसंपर्क रहा है, इसके माध्यम से इन्होंने बताया था। तीसरा जो था प्रशासन था, प्रशासन भी एक प्रकार की क्या है? सामाजिक क्रिया की विधि है। जो चौथा है वो बेसिकली विधान है। चौथा क्या था?
विधान था। तो इन चार ऐसी विधियों में सामाजिक क्रिया में हमें नाम देखने को मिलता है किसका, लेन क्लार्क कह लीजिए या हेलन क्लार्क कह लीजिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयरलैंड में अगर हम बात करें, किसानों द्वारा बहिष्कृत या बहिष्कार किया गया था, किसानों द्वारा बहिष्कार आयरलैंड में सन 1880 में, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। यहाँ एक चीज़ और नोट करिएगा, अगर हम जिक्र करते हैं तो एक आपने नाम सुना होगा खूनी आंदोलन, ठीक, सॉरी खूनी रविवार, खूनी रविवार नाम सुना है, रूप में एक रूसी क्रांति को जाना जाता है। कौन सी क्रांति को? रूसी क्रांति को जाना जाता है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखें, कब? 1905 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सामाजिक क्रिया का जो पूर्वी जर्मनी में जो उदय हुआ था वो 1953 में हुआ था। 1953 में पूर्वी जर्मनी, है ना, पूर्वी जर्मनी का उदय हुआ था, ठीक है, उदय हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके संबंध में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये जो है तथ्य है हम सब के लिए, परीक्षाओं में हो सकता है आप लोगों से ये रिपीट हो जाए, ठीक है, इसके संबंध में। सर, जो रूस की क्रांति 1917 वाली और ये तो सामाजिक क्रिया है ना, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, ये आपकी सामाजिक क्रिया का पार्ट है, वो तो अलग पार्ट था, वो औद्योगिक वगैरह क्षेत्र को रिलेट कराता था, है ना, ठीक है, तो वो अलग है, ये अलग है ना। और आपसे जैसे जर्मनी उदय 1953 पूछेगा, बताइएगा, खूनी रविवार पूछेगा तो 1905 बताइएगा, ठीक है, और जो है हंगरी आंदोलन कब हुआ था, तो हंगरी आंदोलन कब हुआ था, अभी भी बताया ना, हंगरी आंदोलन 1956 में हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसानों द्वारा बहिष्कार आयरलैंड में कब हुआ था, किसानों द्वारा 1880, ठीक है, 1880, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डनहम ने एक किताब लिखा था, डनहम का एक किताब थी, और उम्मीद करता हूँ आप सबको मालूम भी होगा डनहम की किताब का बारे में, जानते हैं आप लोग डनहम की किताब, डनहम की किताब थी, ऑथर डनहम, डनहम की जो किताब थी वो थी सन 1970 की, सन 1970 की किताब थी, और उस किताब का नाम था द न्यू कम्युनिटी, द न्यू कम्युनिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखा था, नामक पुस्तक लिखी है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा, हाँ, इसके बारे में आप इतनी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा। शिक्षा के द्वारा जन सामान्य चेतना जागृत की जा सकती है, शिक्षा के द्वारा, ये बात कहने वाला कौन विद्वान था, है ना, कौन विद्वान थे, ग्रेस कोयले महोदय थे। ग्रेस कोयले महोदय क्या कहते हैं, एक शब्द में याद रखिएगा, ग्रेस कोयल महोदय का एक तात्पर्य आया, का कहना था कि शिक्षा के द्वारा जन सामान्य में चेतना जागृत की जा सकती है, की जा सकती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में, सामाजिक क्रिया के संबंध में, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कम्युनिटी चेस्ट के बारे में, हम लोग इसे कम्युनिटी चेस्ट को क्या बोलते हैं, सामुदायिक निधि, हाँ, ठीक है, ये किसको रिलेट कराता है,
ये सामुदायिक संसाधनों को रिलेट कराता है। किसको? सामुदायिक संसाधनों को रिलेट कराता है। ठीक है, ये शब्द आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संगठन अगर आपको कोई गठित करना है, अगर कोई संगठन आपको गठित करना है, गठन करना है, तो संगठन के गठन की प्रक्रिया में आपको कुछ स्टेप को ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने कहा, संविधान तैयार करना एक होगा, संविधान तैयार करना पहले पॉइंट पर, दूसरा सामान्य सभा का गठन करना, सामान्य सभा का गठन करना, तीसरा कार्यकारी परिषद का निर्वाचन, कार्यकारी परिषद का निर्वाचन, और विजन, फोर्थ नंबर पर विजन यानी पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, एंड विजन एवं मिशन कह लीजिए, विजन एवं मिशन, और अंततः फिफ्थ पॉइंट पर आपका आएगा पंजीकरण, पंजीकरण। ठीक है, इन शब्दों को भी आप लोगों को सामाजिक क्रिया के अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर सर, है? संविधान तैयार करने से क्या अभिप्राय है? संविधान तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में एक प्रारूप तैयार करना, संगठन कोई बना रहे हो तो उसके लिए कोई प्रारूप तैयार करना जो संविधान तैयार करने को बराबर बताता है। आप कोई क्रिया को आप मतलब सर संचालित, एक मतलब सर कहेंगे ना कि सर किसी कम्युनिटी के लिए एक सर फ्रेम तैयार करना था। बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्रेम या रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं उसी को बेसिकली ये जानी जाती है, उसी के नाम से, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत संबंधित समिति कुछ हैं, उन समितियों के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे भी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि बलवंत राय मेहता समिति इम्पोर्टेंट है। कौन सी समिति है इम्पोर्टेंट? बलवंत राय मेहता बलवंत मेहता। हाँ, तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आप पंचायती राज के संबंध में आपको क्रम लगाइए, है ना, क्या कहेगा क्रम लगाने के लिए। तो पंचायती राज में, पंचायती राज संबंधित अगर समिति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप जवाब बताइएगा। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली मानी जाती है, बलवंत राय, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंथा राव समिति 1983, जीवी के राव समिति 1985, और एल एम सिंघवी समिति 1986। इसको फिर से देखो, ध्यान से समझो। देखो, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977 की है, हनुमंता राव समिति 1983 है, जीवी के राव समिति 1985 की है, एल एम सिंघवी 1986 की है। मैं चाहूंगा कि अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सी जानकारी जो है, और
जो समितियां हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात अगर हम करें या उसके व्यवस्थाओं का अध्ययन की बात करें तो वो अशोक मेहता समिति है। कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति है। ग्राम पंचायत का क्या करना है? अध्ययन करना है। समझते चलिए, अनुच्छेद 40 में राज्य की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ये बात बलवंत राय समिति में कही गई, अनुच्छेद 40 भी वहीं से आई। लेकिन ग्राम पंचायत के अस्थगन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी बात इसमें कही गई थी। ये समिति जो थी वो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। तो जनतंत्री और विकेंद्रीकरण पर कौन सी समिति आधारित है? जनतंत्री और विकेंद्रीकरण पर कौन सी समिति आधारित है? तो वो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता। यही बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना, जो नागौर जिले में या नागौर जिलों से लागू हुआ। तो ये आपको याद रखना होगा यहां पे बलवंत राय मेहता समिति में। इसमें तीन स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई। तीन स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी थी? गांव, ब्लॉक, जिला। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये क्लियर है, बलवंत राय मेहता समिति में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है इसमें? क्लियर है सर उसमें। चलो, उसके बाद अशोक मेहता समिति, ऐसे दो तीन बातें केवल लिखनी है और समझनी बस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति के बारे में, अशोक मेहता समिति 1977 में ये समिति आई और अशोक मेहता के अध्यक्षता में ये चुना गया। पंचायत राज की खराब उपलब्धि के लिए ये एक प्रकार से जिम्मेदार रहा और इस परिप्रेक्ष्य में ये अशोक मेहता समिति जो है लाई गई थी। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राज्य जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने नया कानून पारित किया। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि दिसंबर 1977 में जब अशोक मेहता की समिति आई पंचायती राज को लेकर, तो उनकी रिपोर्ट देखे गए और रिपोर्ट के आधार पर भारतीय राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीन देखो पेपर में आता है तीन राज्यों के नाम वगैरह है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नोट कर देता हूं मैं यहां पे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में समझिएगा, ये आंध्र प्रदेश समझिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये तीन जो है राज्य हमें देखने को मिलते हैं या एक प्रकार से नया कानून पारित करते हैं इसके अंतर्गत। इसमें पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली थी। इसमें भी जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद होगा। क्लियर? और हाँ याद रखिएगा, और निचले मंडल पंचायत जिनमें 15,000 से लगभग 20,000 की आबादी को जो है कवर करेगा, इसके अंतर्गत बात किया गया। जिला परिषद को एक प्रकार से अगर हम बात करें कार्यकारी निकाय के रूप में भी जाना गया था, ठीक है, इसी के अंतर्गत है ना। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अशोक मेहता समिति में भी त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है ना। त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन सी बनी? जिले के अंतर्गत बना, जिले में आपका जिला परिषद बना, और एक ब्लॉक के लिए पंचायत बना, और ग्राम के लिए ग्राम पंचायत बना, ठीक है। तो ब्लॉक के लिए क्या बन गया था? पंचायत, है ना, सही बात है, बताइएगा। और एक आपका बना ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, गांव के लिए क्या बन गया? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जिले के लिए भी पंचायत थी, हालांकि इसके अंतर्गत वो थी जिला पंचायत थी, ब्लॉक के लिए एक प्रकार से पंचायत केवल थी,
और ग्राम के लिए ग्राम पंचायत बन गई। ठीक है, तो इसके आधार पे माना गया। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमसे पेपर में ये भी पूछा गया कि परीक्षा में बताइए कि दो स्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है वो सिफारिश कौन सी समिति करती है, दो स्तरीय वाली। कारण ये था, सर, ब्लॉक ब्लॉक समिति नहीं होगा? ब्लॉक के वजह तो पंचायत एक यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, दूसरा ग्राम पंचायत जो गांव वाला है वो भी ग्राम पंचायत है, तो दोनों बात तो एक ही थी। बात पूरी सुनिए पहले। नहीं, मैं बोली ब्लॉक समिति नहीं होता है सर। नहीं, ब्लॉक समिति नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहां बात समझिए, मैंने कहा कि यही एक ऐसी समिति आई जो बेसिकली दो स्तरी पर शामिल हुई। तो पेपर में पूछा भी आता है कि दो स्तरी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कौन सी समिति करती है, तो अशोक मेहता समिति करती है। जब दो स्तरी पर बात होता है तब हमारे दिमाग में क्या आता है, त्रिस्तरीय प्रणाली को दो स्तरीय प्रणाली में प्रतिस्थापित कर दिया। इसने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा, और ग्राम स्तर पर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो दो ही स्तरीय पर इसको भी फिर जाना गया। तब आप यह ध्यान रखिए, दो स्तरीय इसको किस नाम से जाना गया, दो स्तरीय प्रणाली के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो स्तरीय प्रणाली देखने को मिलती है। अब बताइए, ये भी बात क्लियर हुई? जल्दी जल्दी करेंगे तभी मजा आएगा, टाइम मत बर्बाद करिए, है ना? क्लियर है? गया सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक हनुमान जो है हनुमाथा राव समिति रही। हनुमाथा राव समिति से बहुत कम पेपर में सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोगों को इसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए कि यह किसके संबंध में आती है और यह क्या चीजें मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हालांकि प्रक्रियाएं वही थी, इन समिति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन को लेकर या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को लेकर प्रक्रियाएं वही संचालित थी, जहां जिक्र किया जा रहा हो पंचायत को लेकर, ग्राम को लेकर, पंचों की सहायता को लेकर, उसके विवादों के समाधान को लेकर, है ना? तो वह प्रक्रिया हनुमत माथा जो हनु माथाराव समिति थी उसके अंतर्गत ये आती थी। ठीक है, और ये समिति कब की है, तो ये समिति जो है 1983 की है। उसके बाद जी वी के राव की समिति थी 1985 के, ये जिले को योजना की बुनियादी इकाई के रूप में नियमित करती है जिले को। तो जिले को योजना की एक बुनियादी इकाई बनाना और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश अगर कोई समिति करती है तो वो जी के वी राव करती है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह समिति सन 1985 की है। कब की है, 1985 की है। 73वां और 74वां एक संविधान संशोधन हुआ दिसंबर 1992 में, है ना? और वो जो संशोधन हुआ था उसमें ग्रामीण और शहरी भारत के स्थानीय स्वशासन की नींव डालने के लिए संशोधन हुआ था। तो कौन कौन सा था, 73वां और 74वां 1992 में, शहरी और ग्रामीण चीजों को लेकर नींव डालने के परिप्रेक्ष्य में था ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनमें इतनी समिति को आप लोगों को ध्यान रखना, एल एम जो है सिंघवी कमेटी है सन 1986 की है, परंतु परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछा गया है ना? इसको भी आप ध्यान रखेंगे, फिर भी आपको इन समितियों के नाम और वर्ष जरूर याद रखिएगा। इसके बाद तो एक पी के थुंगन समिति थी, 1989 का था। हरलाल सिंह खर्रा समिति थी 1990 की। ठीक है, कई समितियां आई थी, परंतु ये जो इसमें मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा गया, परीक्षा में ये भी सवाल आ जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक रहे हैं, नहीं राजू नहीं और कोई, सर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन सर, लॉर्ड रिपन जो है जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन संबंध में आपको ये नाम भी याद रखना होगा। ठीक है, देखो पता आप लोगों का होता है, लेकिन जब आप इन चीजों को देखेंगे ना तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी, है ना, परीक्षाओं में। ठीक
ठीक है। तो ये आपका इतना था स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो मैंने अभी आप लोगों से बताया है। और भी जो समितियां वगैरह हैं इनसे भी सवाल पूछा जाता है कि भाई इनका कब कब गठन हुआ है, तो बताना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अस्पष्ट रहेगा जी सर। चलिए, आज वैसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कुछ 7 8:30 बजे, 8:30 बजे वाली जो क्लास हमारी होगी आज ना, वो प्रैक्टिस पर होगी, क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस पे होगा। ठीक है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन कौन से जो है समाज सुधारक रहे हैं, उनकी कौन कौन सी संस्थाएं रही हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस मालूम होना चाहिए आप लोगों को, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन का। सर रिफॉर्म तो आप सर लिखवा चुके हैं ना सर, रिलीजन से रिलेटेड जो रिफॉर्म था आंदोलन, हाँ वो हो तो गया आंदोलन। आंदोलन समाज सुधारक का हुआ है, आंदोलन में कोई भूमिका नहीं, वैसे तो पर्यावरणीय आंदोलन अभी आपको आगे आएगा, यूनिट नंबर 9 वाले तक जब पहुंचेंगे तो वहां पे बता देंगे, है ना। और बस वो याद रखिए, पर्यावरणीय जो समाज सुधारक लोग रहे हैं उनका नाम आप याद रखें वहां पे, ठीक है ना। बाकी तो आज फोकस कर दीजिएगा सर, लेबर से, चाइल्ड से, वुमेन से, और लास्ट जो कैंडिडेट है ना सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए पूरा ओवरव्यूज ही मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। आगे हम बात करते हैं, देखिए और एक प्रोसेस पूछा जाता है कम्युनिकेशंस का। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, सेंडर होता है, उसके बाद आपका एनकोडिंग होता है, याद रखेंगे, उसके बाद जो है मैसेज होता है, और फिर उसके बाद जो है चैनल होता है, और उसके बाद जो है रिसीवर होता है, और उसके बाद रिसीवर से पहले आप जो है चैनल के बाद डिकोड कर लीजिए, डिकोडिंग कर लीजिए, चैनल के बाद क्या कर लीजिए, डिकोडिंग कर लीजिए, डिकोडिंग कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, रिसीवर कर लीजिए, है ना, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर कर लीजिए। तो ये एक संचार का दौरान में जो प्रोसेस लागू होता है, ये स्टेप है, इन स्टेप को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो एक बार स्पष्ट करिएगा। देखिए बैग भाई किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है ना, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज। नहीं, म्यूट हो जाइए भाई, क्या बोलते हैं इसको, कूटबद्ध कहते हैं मैसेज को, हम लोग संदेश कहते हैं, चैनल को हम माध्यम बोलते हैं, डिकोडिंग को हम लोग बोलते हैं कूटानुवाद, क्या बोलते हैं, कूटानुवाद बोलते हैं, है ना, और रिसीवर को हम लोग प्रापक बोलते हैं। ठीक है, प्रापक बोलते हैं, फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि बोलते हैं, प्रतिपुष्टि बोलते हैं, है ना। वैसे तो इसकी सबसे बढ़िया इंग्लिश लगती है, कारण ये है कि बहुत इजी इंग्लिश में हो जाता है, है ना, बट कोई बात नहीं, अगर आपको हिंदी है तो हिंदी भी मैंने बता दिया, आप हिंदी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी चाहो तो हिंदी में भी, यहाँ पे इंग्लिश में भी, दोनों। चलिए आगे हम बात करते हैं और अगले पॉइंट पर हम आते हैं, अब रिसर्च पर। रिसर्च भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है रिसर्च, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है इसमें, PhD कैग करके और लास्ट में IR। पी का मतलब जो होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप ढूंढने उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इसके उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एच आता है, जो एच का मीनिंग दर्शाता है वो फार्मुलेशंस, बिल्कुल फार्मुलेशन ऑफ हाइपो, है ना, थेसिस दर्शाता है। देखिए इन दोनों के बीच में अगर मैं जिक्र आप लोगों से करूं तो एक शब्द आता है साहित्य समीक्षा, क्या आता है, साहित्य, हाँ समीक्षा, जिसको आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू बोलते हैं, LR भी कहते हैं,
है ना, तो इस प्रक्रिया को हम इसके बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, कई पॉइंट्स उसे बेसिकली आते हैं, फिर भी आपको इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। डी आपको होता है वो डिजाइन, डिजाइन ऑफ रिसर्च। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी, तो सी से क्या हो जाता है, कलेक्शंस ऑफ डेटा। और उसके बाद ए आता है एनालिसिस, है ना, एनालिसिस ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण। और उसके बाद जी से आ जाता है आपका जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण। और आर से आपका क्या जाता है, रिपोर्ट, है ना। तो ये जो है आपका एक स्टेप है, इन स्टेप को ध्यान रखिएगा। कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो उस समय सबसे पहले आप उसके वेरिएबल को खोजते हैं, और वेरिएबल तब मिलेगा जब आपको पीएचडी कैग पता होगा, यानी उसके स्टेप जब आपको मालूम होंगे तब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे LR के साथ के लिखा था साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा। नहीं, अब देखिए एक शब्द आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं सैंपलिंग के बारे में। सैंपलिंग बेसिकली किसी भी शोध की प्रक्रिया में न्यायदर्श करना हालांकि अच्छी बात नहीं होती है, फिर भी हम अपनी मजबूरी वश जो है सैंपलिंग का चुनाव करते हैं, है ना। तो सैंपलिंग कहने का जो तात्पर्य होता है, न्यायदर्श चुनने से क्या मिलती है, विश्वसनीयता जो है देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं भाई सैंपलिंग का चुनाव करते हैं। मान लीजिए कोई जैसे जनसंख्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉपुलेशन है यानी ये लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे अधिक संख्या है। अब इन लोगों को हम कई नाम से जानते हैं, हम इनको जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं, हम इसी को समग्र भी कहते हैं, हम इन्हीं को जो है समिष्ट भी कहते हैं, हम पॉपुलेशन, हालांकि इसकी इंग्लिश हो जाएगी, तो हम इतने नाम से इसको जानते हैं। परंतु सैंपलिंग चुनने का मतलब है कि बिना भेदभाव के साथ कार्य हो, तो हमने रैंडम किसी को चुन लिया। रैंडम में चुना तो हम यहाँ पे सबको चुन नहीं सकते, रैंडम में हमने क्या किया, तीन लोगों को चुना। ठीक है, बताइए। तो मैंने रैंडम मान लीजिए किसी को चुनाव किया, इनमें से तीन लोगों को चुना, है ना। अब आपने जो तीन लोगों को चुना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, यानी हम इसको क्या कहेंगे, न्यायदर्श कहेंगे। हम इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श को बोलते हैं। हम इसी को जो है बेस्ट कहते हैं। हम इसी को क्या बोलते हैं, इकाई कहते हैं। हाँ, एक बार म्यूट रहिएगा प्लीज, आप लोग म्यूट नहीं हैं, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, है ना। ठीक है, मेरी ये राहुल, जब भी आप रवि जी जानते हैं, तो जब कभी समिष्ट और बेस्ट पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से उसको बताएंगे। ठीक है, देखिए शोध के प्रक्रिया में अगर जब भी हम बात करते हैं समिष्टि से, तो जो प्राप्त ज्ञान होता है, जो हमारे पास प्राप्त ज्ञान होता है, हम उससे क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं, है ना। तो ऐसे में उसे बेस्ट संगत की सूचना के रूप में हम उसको समझते हैं या उसको हम जानते हैं। तो सैंपल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका संभाव्य और एक होता है आपका असंभाव्य। ठीक है, ये दो टाइप का होता है सैंपल, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसके अंतर्गत मतलब जहां यादृच्छिक विधि का प्रयोग हो रहा है, जहां रैंडम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, यादृच्छिक विधि का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जहां हम यादृच्छिक का प्रयोग ना करके अपने मनमर्जी का प्रयोग करते हैं, अपने मनमर्जी का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ये दो टाइप में बन जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये कभी कभी पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भाई प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कितने टाइप हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक आपका आता है
सैंपल, ठीक है, सैंपल सैंपल नहीं, सिंपल होता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल रैंडम एक होता है, इसको क्या बोलते हैं, सरल यादृच्छिक बोलते हैं इसको, और एक को क्या बोलते हैं, स्तरीकृत बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम, है ना। और एक होता है आपका क्षेत्र, या आप समूह कह लीजिए, ठीक है, या आप गुच्छ कह लीजिए, इसे कहा जाता है क्लस्टर। और एक होता है आपका व्यवस्थित, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं, है ना। तो ये चार टाइप के जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में पाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको संभाव्य के अंतर्गत चार टाइप के रखे गए हैं। तो पेपर में पूछता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, है ना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से होता है, तो इसमें अगर हम जिक्र करते हैं तो एक होता है इसमें यथांश। यथांश को क्या कहा जाता है, कोटा कहा जाता है, यथांश कोटा बोला जाता है। दूसरा एक होता है आपका एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल को क्या बोलते हैं, आकस्मिक। और एक होता है परस्यू या पर्पस, यानी उद्देश्य पूर्ण, ठीक है। और एक होता है स्नोबॉल, उसको क्या बोलते हैं, हिमगेद, हिमगेद। और एक होता है जजमेंटल, एक होता है जजमेंटल, इसको क्या बोलते हैं, निर्णायक, न्यायिक, या न्यायिक भी कह सकते हैं। कन्वेंशनल एक बोला जाता है, इसका मतलब सौकर्य, सौकर्य या सुविधा अनुसार, या सुविधा अनुसार। और एक होता है डेंस, घनीभूत इसको बोलते हैं, है ना, घनीभूत बोलते हैं। कई होते हैं बट इतना आपके लिए काफी है, इन्हीं के इर्द गिर्द आप लोगों से आ जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, है ना। ये आपके रिसर्च के अंतर्गत इन चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिसर्च में इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, सैंपलिंग के अंतर्गत, और दो टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च का जो है स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको दो बातें ध्यान रखना है। देखिए एक चीज और, रिसर्च का मतलब ही, सर्च का मतलब खोजना होता है ना, किसी चीज को खोजने की बात करता है, पुनः खोजने की बात करता है। व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को दर्शाता है, मौलिकता को दर्शाता है रिसर्च, है ना। किसी वस्तु को मैं खुद बनाया हूं तो उस प्रक्रिया में जो है रिसर्च चीजों को दर्शाता है, ठीक है। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। शोध से क्या होता है, नवीन चीजें निकल के आती हैं, ठीक है, व्यवहारिकता निकल के आती है, उपयोगिता निकल के आती है, वैज्ञानिकता हमारे सामने उभर के सामने आ जाती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो रिसर्च के अंतर्गत वेरिएबल होते हैं, मतलब जब अपने परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषयों या वस्तुओं में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की कोई जो वस्तुएं हैं, जो विषय वस्तु हैं, उनमें परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली दो टाइप का होता है, वेरिएबल दो टाइप का होता है। वेरिएबल दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक, हालांकि कई टाइप के हैं लेकिन फिर भी दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है स्वतंत्र वेरिएबल, और एक होता है आपका परतंत्र वेरिएबल, परतंत्र वेरिएबल, परतंत्र, है ना, परतंत्र वेरिएबल। इसी को आश्रित बोलते हैं, हाँ, परतंत्र को आश्रित कहते हैं, परतंत्र को क्या बोला जाता है, आश्रित बोला जाता है, ठीक है। और
स्वतंत्र को अनाश्रित कहा जाता है, इसी को निराश्रित भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को देखिए, जब भी कभी रिसर्च में, अच्छा एक नाम और इसका है उद्दीपक, उद्दीपक वेरिएबल भी इसी को बोला जाता है। जब जैसे किसी जोड़ तोड़ की संभावना होती है, कुछ आप जोड़ सकते हैं, उसमें तोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, तो वो स्वतंत्र वेरिएबल होता है। जैसे एक शिक्षक का अगर हम बात करें, शिक्षक पर विद्यार्थी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, तो जिस पर जिसके ऊपर डिपेंडेंट होने की प्रक्रिया होती है, तो वो एक प्रकार के स्वतंत्र के परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। तो यहाँ पे टीचर की पूरी पकड़ होती है स्टूडेंट पर, और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो वो स्वतंत्र वेरिएबल होता है। जो डिपेंडेंट है वह परतंत्र वेरिएबल या आश्रित वेरिएबल में देख लिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वतंत्र वेरिएबल आश्रित वेरिएबल क्या है, कि वो किसी पर आश्रित ही है, किसी पर निर्भर ही है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ लर्निंग, लर्निंग क्या है, अधिगम जो है, अधिगम क्या है, अधिगम डिपेंडेंट है, अधिगम डिपेंडेंट है। अब अधिगम डिपेंडेंट है किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, अधिगम मोटिवेशन के ऊपर, है ना, प्रेरणा के ऊपर, ठीक है। अब प्रेरणा क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर अधिगम, जैसे अगर उसको मोटिवेशन मिलेगा, अगर उसको मोटिवेशन मिलेगा तो वो अधिगम में बढ़ोतरी करेगा, लर्निंग तेजी से करेगा, है ना। अगर उसको मोटिवेशन मिलेगा तो लर्निंग तेजी से करेगा, तो लर्निंग जो है, यहाँ पे जो अधिगम की प्रक्रिया बन रही थी, सीखने की जो प्रक्रिया बन रही थी, अधिगम तेजी से हो रहा है, वो डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन अगर आप दोगे सही तरीके से तो वो सीखेगा, है ना, तो वो सीखेगा। इस प्रक्रिया में इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। और देखो, जिसको हम दशमलव में पॉइंट में लिख दें, जिसको हम दशमलव और पॉइंट में लिखें, वो क्या है, वो सतत वेरिएबल है। जिसको हम पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि 60.100 kg का है ना, ठीक है, हमने कहा भाई कि 50.250 kg का है व्यक्ति, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। असतत एक वेरिएबल है जिसको हम क्या करें, जिसको मैं पॉइंट और दशमलव ना लिखूं। परिवार के सदस्यों की संख्या मान लो 3 है, परिवार के सदस्यों की संख्या मान लीजिए 5 है, बोली जाने वाली भाषाएं 22 हैं या 8 हैं या 10 हैं, उस व्यक्ति के पास 2 भाषाएं आती हैं बोलने, उस व्यक्ति को 3 भाषा आती है बोलने, तो इसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते ना, ये सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना, एग्जैक्ट नंबर में, तो वो क्या है, असतत वेरिएबल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, एक बार कंफर्म करिए, बताइए एक बार, बोलिए तो सही। उसके बाद देखिए, इसमें मापन होता है, जैसे मैंने मापन स्तर आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, स्टीवेंस का नाम आता है, किसका, स्टीवेंस का नाम आता है 1946। अब देखिए, यहाँ स्टीवेंस ने मापन दिया, तो पहले हालांकि क्रम अगर हम बात करें तो नामित आता है, फिर क्रमिक आता है, फिर अंतराल आता है, फिर अनुपात आता है, ये क्रम पूछा जाता है ना। नामित का मतलब, जैसे शोध की प्रक्रिया में, मापन स्तर में, हम कोई नाम के आधार पर, अल्फाबेट नाम हो गया या वर्णमाला हो गया, उसके आधार पर हम कोई चीज़ पर चुनाव करते हैं तो उसको नामित कहते हैं। क्रमित, हमने जैसे किसी को रैंक दे दिया 1, 2, 3, 4, 6 ना, वहाँ पे 50 बच्चों का रैंक बना रहे हैं तो वो क्रमिक बन जाएगा। शोध की प्रक्रिया में अगर मापन स्तर जिसके बीच की दूरी समान हो रही हो, बीच की दूरी क्या हो रही हो, समान हो रही हो, जैसे समान का मतलब क्या हुआ,
जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी टू फोर सिक्स एट टेन, क्या दूरी क्या हो रही है, समान हो रही है ना, ये दूरी क्या है, समान हो रही है। तो ऐसी कंडीशन पे अब देखो, मैंने यहाँ पे शोध में वह मापन स्तर जिसमें शून्य की स्थिति यथेष्ट होती है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो जीरो लिखा है ना, यहाँ पे भी जीरो लिख सकता था मैं, तो ये जो वाला जो जीरो है इसको हम क्या बोलेंगे, यथेष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यथेष्ट बोलेंगे। ये यथेष्ट जीरो जो है अंतराल में पाया जाता है, यथेष्ट यथेष्ट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक अनुपात होता है, एक अनुपात होता है रेशियो, दो समूहों की जब तुलना करते हैं, जहां तुलनात्मक अध्ययन होता है ना, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है बताइए, अनुपात, अनुपात। शोध में मापन के किस स्तर में विश्वसनीयता और शुद्धता सर्वाधिक पाई जाती है, विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक पाई जाती है। शोध की प्रक्रिया में शून्य की स्थिति वास्तविक होती है, यहाँ पर शून्य की स्थिति क्या होगी, वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक होता है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अनुपात हो गया, ये सर्वोच्च स्तर है, विश्वसनीयता है, शुद्धता है, शून्य की स्थिति है, और ये शून्य की स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की चीजें जो है हमारे सामने देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पांच और दस का अनुपात बताइए, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि पांच और दस का अनुपात बताइए, तो आपने क्या किया, फाइव बाई टेन कर लिया है ना, इस पर पेच में, तो आपने इसको वन, फाइव वन जब फाइव हो जाएगा, फाइव टू जा टेन हो जाएगा, तो वन इज टू टू, यानी जो आपने अनुपात बताया है एक अनुपात दो बताया है, ठीक है। इस वाले अनुपात को, फाइव वाले को प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु होता है ये, और प्रारंभिक बिंदु जीरो होता है, भले पांच है लेकिन जीरो माना जाता है। इस वाले एक का प्रारंभिक बिंदु एक है, परंतु इसको हम कल्पना के आधार पर जीरो मानते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और ये जो दस है ये सर्वोच्च मान है, क्या है, सर्वोच्च मान है, सर्वोच्च मान जो होता है वो हंड्रेड होता है, ये टू जो है क्या है, ये सर्वोच्च मान है, ये सर्वोच्च मान है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक बिंदु जीरो होता है ऐसे बोला, हाँ, प्रारंभिक बिंदु जो है जीरो माना, इसका मान जीरो, क्योंकि अनुपात में वास्तविक शून्य है, तो यहाँ पे प्रारंभिक का जो मान होता है वो जीरो होता है यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इसके अंतर्गत और भी चीजें शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो है इसके अंतर्गत ये रिसर्च का पार्ट था, इस तरीके से आपको रिसर्च में इन चीजों को ध्यान में रखना होगा बस, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत कोई खास बिंदु अगर एक आता है तो एक व्यक्ति है गुड्डेन हार्ट, एक परिभाषा इनकी है, जानते हैं आप लोग गुड्डेन हार्ट की, प्रतिदर्श समग्र जनसंख्या का, समग्र जनसंख्या का, जनसंख्या का एक लघुत्तर भाग है, लघुत्तर भाग है, ये पेपर में आ चुका है और एमपीपीएससी वाले में, बट ये एक स्टेटमेंट जो है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये भी, क्लियर रहेगा जी सर। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ मेन मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा
विचार विमर्श या बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं मैं, यहाँ अगर आपसे अन्वेषणात्मक शोध पूछता है, अन्वेषणात्मक शोध क्या है, तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अन्वेषणात्मक शोध जो है समस्या की पहचान करता है, समस्या की पहचान करता है, और वर्णात्मक शोध जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाली प्रक्रिया आती है, प्रत्येक पहलुओं को क्या करता है, ये व्याख्या करता है। ठीक है, क्या करता है, व्याख्या करता है। और प्रयोगात्मक शोध है उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस, उपकल्पना, कल्पना क्या करता है, उपकल्पना, उपकल्पना का परीक्षण करता है। और क्रियात्मक शोध, और क्रियात्मक शोध क्या करता है, उपकल्पनाओं का या उपकल्पनाओं को कार्यक्रम में बदलता है, कार्यक्रम में बदलता है। ठीक है, क्लियर रहेगा, बताइए। जी सर, बस एक बार लिखने दीजिएगा। हाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है क्लियर हो गया। जी सर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अन्वेषणात्मक शोध एक अभिकल्प होता है, अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प होता है, डिजाइन जिसको बोलते हैं, ये अज्ञात तथ्यों की खोज करता है, अज्ञात तथ्यों की खोज करता है। ठीक है, और एक परीक्षणात्मक शोध होता है, शोध अभिकल्प होता है। ठीक है, और ये दो चरों के बीच है ना, दो चरों के बीच परस्पर अध्ययन है, परस्पर परस्पर है ना, परस्पर अध्ययन हेतु किया जाता है, अध्ययन हेतु किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, परस्पर। क्लियर। उसके बाद सर, दो चरों के बीच परस्पर क्या होता है, परस्पर अध्ययन हेतु किया जाता है, कार्योंतर तथ्य परीक्षण है ना, और इस परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक घटना का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक घटना का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। और पूर्व पश्चात एक्सपोस्ट फैक्टो परीक्षण है ना, परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, ये जो रिप्रेजेंट होता है अध्ययन हेतु मात्र एक समूह का अध्ययन करता है, अध्ययन हेतु मात्र एक समूह, एक समूह। ठीक है, इसका जिक्र इसके अंतर्गत होता है। क्लियर। एक समूह का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो पूर्व पश्चात परीक्षण है, वही तो सेंटेंस है। उसके बाद इसमें
द रोमांस ऑफ रिसर्च एक पुस्तक है ना। ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखित है? तो रेडमैन एवं मोरी के द्वारा सन 1923 में। द लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च शिपमैन, शिपमैन 1988, शिपमैन 1988, ठीक है। और मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च गुड्डे एवं हार्ट, ठीक है, 1992 वाली सोशल रिसर्च, ठीक है। लुडबर्ग 1953, ठीक है। द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस किसको कहेंगे जानते हैं? द ग्रामर ऑफ साइंस किसने लिखा है? पियर्स। द ग्रामर ऑफ साइंस किसने लिखा है? कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने 1892 में। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कोहन 1962 में। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, डिस्कवरी कार्ल पॉपर 1934 में, ठीक है। क्या की खोज किस में होता है, क्या शब्द की खोज किस में होता है, क्या की खोज प्रयोगात्मक शोध में किसमें होता है बताइए? प्रयोगात्मक शोध में होता है, क्लियर है? बताइए। ओके, एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, आवाज क्लियर है ना? ओके, आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक एक होता है और एक द्वितीयक होता है, ठीक है। प्राथमिक में क्या क्या आएगा? प्राथमिक में अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन कह सकते हो आप, अवलोकन भी, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार
व्यक्तिक अध्ययन, समाज मिति, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वितीय दो भागों में है, एक है व्यक्तिगत और एक है सार्वजनिक। व्यक्तिगत में क्या क्या आता है? जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र, ठीक है। और सार्वजनिक में क्या क्या आएगा? रिकॉर्ड, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर भी आप कह सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें सार्वजनिक में आप डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है रिसर्च का पार्ट था जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। मेन पॉइंटों पर मैंने जिक्र किया है आप लोगों से रिसर्च के अंतर्गत, है ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही चीजें आप लोग रखिए, ठीक है। देखो, विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता क्या होती है कि किसी चीज वैलिडिटी, पहले समझो वैलिडिटी क्या है कि वो कब तक चीजें जो है वैध है या वैलिड है, कब तक हमारे लिए वो करने के लिए सक्षम है। अब उसमें कितनी विश्वसनीयता है, मतलब विश्वसनीयता मतलब ये होगा कि कार्य वो कब तक जो है सक्षम रह सकता है, वैलिड। अगर मान लीजिए उस पर कार्य करने लायक प्रक्रिया है तो वो विश्वसनीय है, है ना। देखो रिसर्च में हम लोग जो सैंपल चुनते हैं वो विश्वसनीयता ना कम करने के लिए, एक प्रकार से कम हो जाती है विश्वसनीयता वहां पे। अच्छा, ऐसी कारण है कि जैसे कि अगर वाला विश्वास अगर होता तो हम क्यों चुनते, हम सैंपल लेते ही नहीं फिर तो। और सैंपल लेने की वजह से क्या होती है, विश्वसनीयता कम हो जाती है। और वैलिडिटी क्या होती है कि वैलिडिटी जैसे कि वो चीजें कब तक जो है कार्यरत पर है, कार्यरत का मतलब है कि कब तक फंक्शन पर है, क्रिया पर है, उसकी वैलिडिटी कब तक है। वैलिडिटी तो बड़ी इजी शब्द है, वैधता मतलब वो कब तक आपके गोल चल रहे हैं और वो कब तक जो चीजें को संभाल कर हम लोग लेके चल सकते हैं, वो जो है वैधता है, उस कार्य की वैधता है, ठीक है, उसी को वैधता कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें भी थोड़ा सा परीक्षा टेस्ट वगैरह ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ टेस्ट अगर लेंगे भी तो अंत में लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो है और भी यूनिट है कवर करना है, मेन केवल पॉइंटों पर हमें बात करनी है, तो इसलिए जो है ना अभी हम लोग बात करेंगे, जब लास्ट में समय मिलेगा तो उस पर भी टेस्ट पर बात करेंगे। काई स्क्वायर वगैरह मैं भी सोच रहा था अभी बता दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है ना, नहीं तो काई टेस्ट और शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक, सार संबंध वगैरह के बारे में बात करता इसी के बाद, वही पॉइंट था, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी मिलेगी पूरा बताएंगे, ठीक है ना जी सर।